भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे प्रोफेसर सालमा जी जाट भारतीय जनता पार्टी के कदवा नेता थे। भैरव सिंह जी शेखावत जी के समय से वो पार्टी में रहे। भैरव सिंह जी शेखावत जी के समय में भी वो मंत्री रहे। आदरणीय वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में भी वो मंत्री रहे। पुणे जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने तो पुणे वो मंत्री रहे। उसके बाद वो सांसद बने और सांसद बनने के बाद भी वो केंद्रीय मंत्री बने। उनका सरल स्वभाव और जनता के बीच में रहना, जिस प्रकार से वो जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करते थे, मैं समझता हूँ चाहे उनकी वो विधानसभा क्षेत्र हो चाहे उनका लोकसभा क्षेत्र हो, वहाँ के लोग उनसे प्यार करते थे। अभी भी उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, उनका निरंतर डायलिसिस होता था और डायलिसिस होने के तुरंत बाद वो अपने एरिया में जाते थे, जनता का सुख दुख देखने के लिए जाते थे। पार्टी के सभी कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से वो भागीदारी लेते थे। अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह 21, 22, 23 जुलाई को जयपुर उनका प्रवास का दौरा था, तब भी उनका डायलिसिस करवाया और उसके तुरंत बाद वहाँ पे मीटिंग में पहुँच गए और मीटिंग में उन्होंने अपनी बात रखी वहाँ पे। और जब वो बात रख रहे थे, बात उनकी जब कंप्लीट होगी तब उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद उनको SMS हॉस्पिटल भर्ती कराया, वहाँ से फिर उनको एम्स में भर्ती कराया। डॉक्टर ने पूरा भरसक प्रयास किया कि किसी प्रकार से सालमा जी जाट ठीक हो जाए, परंतु भगवान की इच्छा के विपरीत कोई जा नहीं सकता। भगवान की जो इच्छा थी, प्रभु की जो इच्छा थी, हरी इच्छा थी, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी को उनके जाने से बहुत ही क्षति हुई है, बहुत ही आघात पहुँचा है। आज भारतीय राजस्थान प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी शोक में है और सभी कार्यकर्ता उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे इस दुख को सहने के लिए। ये हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।